हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें वर्डप्रेस की सीरीज को, जहां पे हम लोग सबसे पहले एपिसोड को देखने वाले हैं। वर्डप्रेस की बेसिक इंट्रोडक्शन को लेंगे इस लेक्चर में हम लोग, और साथ साथ में किस तरीके से हम अपने फ्री डोमेन एंड फ्री होस्टिंग को सेटअप करते हैं, वो भी मैं आपको आज के इस एपिसोड में सिखाने वाला हूँ। जैसा मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि इस पूरे प्लेलिस्ट के अंदर मैं आपको वर्डप्रेस डेवलपमेंट की स्क्रैच से लेके प्रोफेशनल लेवल तक सिखाऊंगा हर एक चीज़ को, बहुत ही डिटेल्ड में, किस तरीके से हम थीम को चेंज करते हैं, क्या होता है थीम प्लगइन, एडवांस थीम को चेंज करना, किस तरीके से आप प्रीमियम थीम को फ्री में यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस प्लेलिस्ट में सिखाने वाला हूँ एपिसोड बाई एपिसोड। ठीक है, ये हमारी सबसे पहली एपिसोड है जहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप वर्डप्रेस की बेसिक चीज़ को, सबसे पहले हम वर्डप्रेस को होस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस को हम दो तीन तरीके से चला सकते हैं। जैसे सबसे पहला हो गया ऑफलाइन, आपके लोकल होस्ट पे, आप अपने लोकल होस्ट पे भी वर्डप्रेस को चला सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन चला सकते हैं वर्डप्रेस को। जो मेरा सजेशन होता है कि आप वर्डप्रेस को हमेशा ऑनलाइन चलाएं, ताकि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलेज मेट्स के साथ इस वेबसाइट को शेयर कर सके, ताकि आपका जो काम है वो लोग देखें, आप वहाँ से उनके रिव्यूज ले सके, R&D कर सके, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं आप, ब्लॉगिंग कर सकते हैं। और जब आपको ये लगे कि आपने एक अच्छी वेबसाइट बना ली है, तब जाके आप इस वेबसाइट को प्रोफेशनल डोमेन पे लेके होस्ट भी कर सकते हैं। मैं आज की इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको फ्री वाली बताने वाला हूँ। इस प्लेलिस्ट में जो भी मैं बताऊंगा वो सारी चीज़ें फ्री की होंगी, वो प्रीमियम वर्जन नहीं होगा, बट इससे आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस एपिसोड में एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे वर्डप्रेस की। सो बेसिकली वर्डप्रेस क्या होता है? वर्डप्रेस एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये होता है जहाँ पे आप अपनी पूरी कंप्लीट वेबसाइट के कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं। जहाँ तक हमें पता है कि वेबसाइट को दो तीन तरीके से बनाया जा सकता है। एक होता है आप कोडिंग करके बनाओ, HTML सीखो, PHP सीखो, देन आप पूरा कंप्लीट कोडिंग करो, आप अपनी वेबसाइट को बनाओ। एक होती है ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर, जैसे कि वर्डप्रेस हो गया, विक्स हो गया, जहाँ पे हम कंपोनेंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। कंपोनेंट्स की बात करूँ तो जैसे टेक्स्ट फील्ड, बटन्स, चेकबॉक्स, जो आपने ऑलरेडी जावा लैंग्वेज में पढ़ा होगा या फिर नहीं पढ़ा होगा, अगर आप एक दूसरे डिपार्टमेंट के भी स्टूडेंट हैं, फिर भी मैं आपको बेसिक से बताने वाला हूँ किस तरीके से आप कंपोनेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, तो वर्डप्रेस एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोग अपने डायनेमिक वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, स्टैटिक वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। वर्डप्रेस के बारे में अगर आपको कुछ चीज़ें पढ़नी है तो आप वर्डप्रेस के वेबसाइट पर जा सकते हैं। इवन वर्डप्रेस को अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप वर्डप्रेस के वेबसाइट पर जाकर चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। WordPress.com allows you to build a website that meets your unique needs, a blog, business website, portfolio, online store, या कुछ भी, जैसा भी वेबसाइट आपको बनाना है, आप यहाँ पे वैसी वेबसाइट को बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया वर्डप्रेस का। मैंने आपको बता दिया, अगर आपको वर्डप्रेस ऑफलाइन चलाना है उसके लिए आपको XAMPP सर्वर चाहिए होगा, जैसे जो कि आपके सिस्टम को लोकल होस्ट में कन्वर्ट करेगा, बट उससे ये प्रॉब्लम होगी, आप अपने वेबसाइट, उस वेबसाइट को अपने दोस्तों को नहीं दिखा पाएंगे। बट जो तरीका मैं बताने वाला हूँ उसमें आप ऑनलाइन यूज करके सर्वर को आप अपने दोस्तों को उस वेबसाइट को दिखा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ऑनलाइन सर्वर में आपने देखा होगा, ऑनलाइन डोमेन आपको लेना पड़ता है या होस्टिंग लेनी पड़ती, दो चीज़ें होती हैं, मैं आपको बता दूँ। सबसे पहली डोमेन एंड दूसरी होस्टिंग। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे MS Word में लिख के बता देता हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है एक वेबसाइट को होस्ट करने। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस पूरे प्लेलिस्ट में मैं आपको एकदम बेसिक टू प्रोफेशनल लेवल तक सिखाऊंगा, तो सबसे पहले किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पे डालने के लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला तो आपका होता है डोमेन। डोमेन मतलब आपका URL, बेसिकली आपका एड्रेस। अगर आप उसको और सिंपल लैंग्वेज में समझें तो आपकी जो वेबसाइट की एड्रेस होगी, जैसे मेरी वेबसाइट है yourengineeringfriend.com या .in, जैसे youtube.com, google.com, तो जो youtube.com है वो उसकी URL हो गई, जिसके द्वारा आप उस वेबसाइट को फाइंड आउट करते हैं। बट इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब क्या होता है? सर्वर दूसरे लैंग्वेज में, या फिर आप स्टोरेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे हम वेबसाइट को बनाते हैं हम बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं, जैसे फोटोज हो गए, टेक्स्ट हो गए, तो उन सब चीज़ों को स्टोर करने के लिए कोई जगह चाहिए होती है, आपको स्पेस चाहिए होता है, और वो स्पेस कौन देता है आपको? होस्टिंग प्रोवाइडर देते हैं आपको। जहाँ से आपको होस्टिंग लेते हो, आपको वो होस्टिंग प्रोवाइडर आपको कुछ स्पेस दे, जैसे 1 GB का स्पेस, 2 GB का स्पेस, आप इस तरीके से वहां से स्पेस को लेते हैं। ये रिक्वायरमेंट होती है किसी भी वेबसाइट की, दो चीज़ों की। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानने के बाद भी आपको इन दो चीज़ों को परचेज करना पड़ता है। डोमेन को आपको परचेज करना पड़ेगा अगर आप प्रोफेशनल डोमेन पे जा रहे हैं, तो अगर आपको होस्टिंग का चाहिए तो आपको होस्टिंग भी परचेज करना पड़ेगा। बट इस पूरे सीरीज में मैं आपको फ्री वाली चीज़ें सिखाऊंगा, ताकि आपके पैसे वेस्ट ना हो,
जब आप एक सीख जाएं, आप एक प्रोफेशनल लेवल की वेबसाइट को बनाने लगेंगे, तो आप फ्री, आप गो डैडी से या बिग रॉक से डोमेन को ले सकते हैं या फिर होस्टिंग को भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर का नाम डाल देता हूँ ताकि अगर आपको कभी लेना हो तो आप गो डैडी या फिर बिग रॉक, दोनों की सर्विस अच्छी होती है, दोनों में से किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से आप सर्विस को ले सकते हैं। बहुत ही चीप रेट में आपको होस्टिंग और डोमेन मिल जाता है। डोमेन की जो अराउंड प्राइस होती है वो होती है 500 से स्टार्ट हो जाती है, और जो होस्टिंग की जो प्राइस होती है आई थिंक 3000 से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरे एक साल तक वैलिड होता है, मतलब 3500 में आपकी एक साल की वैलिडिटी होती है वेबसाइट की, उसके बाद आपको वापस से रिन्यू करना पड़ता है चीज़ों को। ओके, बट इस प्लेलिस्ट में मैं आपको चीज़ें फ्री वाली दिखाने वाला हूँ, तो हम लोग आज अभी इसी वक्त अपने डोमेन और होस्टिंग को सेटअप करते हैं, और वर्डप्रेस किस तरीके से इंस्टॉल करना है वो भी देखेंगे, एंड उसके बाद आगे जैसे जैसे हम वेबसाइट को बनाएंगे वैसे वैसे हम चीज़ों को कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं गूगल पे सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे टाइप करना फ्री डोमेन एंड होस्टिंग। ठीक है, मैं इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सिंपली आपको अगर आप गूगल पे भी टाइप करोगे फ्री डोमेन एंड होस्टिंग तो आपको यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आपको नीचे जाना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट्स है, बट मैं जो सजेस्ट करता हूँ आपको जो इजी वाला है वो है यहाँ पे https://in.000webhost.com। आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे सबसे पहले एक वेबसाइट खुल के आएगी। इसकी मैं डायरेक्टली जो लिंक है, ये जो वाला लिंक है फ्री डोमेन होस्टिंग का, ये लिंक मैं आपकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इस लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपली हमें साइन अप करना है। ओके, साइन अप करने के बाद आपको एक पेज इंटरफेस ओपन होकर आएगा जहाँ पे आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन, अगर मुझे गुड विद गूगल करना तो मैं लॉगिन विद गूगल पे क्लिक करता हूँ अगर। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना अकाउंट चूज करना होगा, मैंने अपना अकाउंट चूज किया, मैं यहाँ पे साइन अप कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, यहाँ पे आप जैसे अपनी मेल आईडी चूज करेंगे, यहाँ पे आ गया आपके मेल आईडी का नाम, हे देयर योर इंजीनियरिंग फ्रेंड। ठीक है, मेरे मेल आईडी का नाम आ गया यहाँ पे। आपको इट्स नॉट माय फर्स्ट टू टेक मी टू द पैनल, आप डायरेक्टली पैनल पे भी जा सकते हैं या फिर आप यहाँ पे इनके टिप्स और हिंट्स को भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे टेक मी टू द पैनल डायरेक्टली। ठीक है, गेट क्रोम, अगर आप क्रोम यूज कर रहे हैं तो सही बात है, अगर क्रोम नहीं यूज करते तो ये जो वेबसाइट बड़ी कमेंड करता है कि आप क्रोम यूज करो। आप यहाँ पे इसको स्किप कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का नाम डालना पड़ेगा। ठीक है, अब चलो हम लोग अपनी वेबसाइट का नाम डालते हैं UEF प्रैक्टिस वेबसाइट। ठीक है, आपने यहाँ पे नाम डाल दिया अपनी वेबसाइट का। ठीक है, अब यहाँ पे आप पासवर्ड आपको यहाँ पे इंसर्ट करना होगा। ठीक है, हम यहाँ पे अपने वेबसाइट की पासवर्ड को लगा सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे पासवर्ड को लगा दिया। अब हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना है। हम लोग बार पासवर्ड को टाइप करके देखते हैं। हम लोग अभी के लिए जेनरेट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं, इसको मैं बाद में चेंज कर दूंगा, ये डिलीट कर दूंगा। ठीक है, जो भी इन्होंने जेनरेट पासवर्ड पे क्लिक करके, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। एक बार मैं इस पेज को रिफ्रेश करके देखता हूँ, कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें तो। ठीक है, मैं वापस से चीजों को करता हूँ, टेक मी टू द पैनल, वेबसाइट नेम में डालता हूँ UEF प्रैक्टिस वेबसाइट। ओके,
मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाला, दूसरा कुछ। आई थिंक कुछ सर्वर इशू हो सकता है, बट चलो लेट्स क्रिएट सम मैजिक पे करते हैं। लर्न वेब डेवलपमेंट, क्रिएट, ये सब हमें काम नहीं है। हम चलो अदर पे सेलेक्ट करते हैं। वेबसाइट नेम यूएफ वेबसाइट हमने डाला, इस पासवर्ड को एज इट इज रहने देते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं। एक्चुअली ये सबमिट बटन जो है इनका अभी फंक्शनल नहीं है, आई गेस कुछ तो प्रॉब्लम है इनकी वेबसाइट में। मैं दूसरा ईमेल आईडी यूज करके देखता हूँ जिससे मैंने पहले ऑलरेडी साइन अप करा हुआ है। ये अभी भी वही ईमेल आईडी को ले रहे हैं। चलो मैंने डायरेक्टली सबमिट पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं किया, ठीक है, देखते हैं अभी क्या होता है आगे। ठीक है, यहाँ पे आपका आपको यहाँ पे वेबसाइट नेम अगर मैंने नहीं डाला, क्योंकि आप जानते हैं कि ये फ्री का टूल है, ठीक है, ये फ्री के होस्टिंग प्रोवाइडर है, तो हो सकता है कभी कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती, तो मैंने जब वेबसाइट का नाम नहीं डाला तो यहाँ पे चीजें आ गई हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यार, वेबसाइट के बहुत सारे तरीके हैं। वेबसाइट बिल्डर यूज करो, वर्डप्रेस इंस्टॉल करो या अपलोड करो अपने साइट को। ठीक है, मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं सिंपल वर्डप्रेस का यूज करूंगा, क्योंकि हमने वर्डप्रेस का ये प्लेलिस्ट बनाया, तो मैं सिंपली वर्डप्रेस को सेलेक्ट करूंगा। एडमिन का यूजर नेम आपको डालना है यहाँ पे, आपको एडमिन का पासवर्ड डालना है, देन आपको यहाँ पे लैंग्वेज चूज करना है। ठीक है, तो मैं एडमिन यूजर नेम सपोज करो एडमिन ही रहने देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ। मैं बाद आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं, @YouTube वेबसाइट, मैंने ऐसा पासवर्ड डाल दिया, UEF underscore। ठीक है, आप यहाँ पे मैंने UEF underscore YouTube डाला है। ठीक है, मैं इसको बाद में चेंज भी कर सकता हूँ, नो वरीज। ठीक है, आप एडमिन को भी चेंज कर सकते हो यहाँ पे, या आप यहाँ से हाइड पासवर्ड भी कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, बट ये बटन यहाँ पे शायद काम नहीं कर रहे। चलो ठीक है, इसको भी रहने देते हैं। हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को चूज करेंगे यहाँ पे, वेबसाइट। यूएफ यूट्यूब @123 डाला, आई डोंट नो। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, द पासवर्ड मस्ट बी लॉन्गर देन 12 कैरेक्टर्स, इंक्लूड एन अपर केस नंबर, स्पेशल कैरेक्टर एंड स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, चलो मैं यूएफ वेबसाइट 12। ठीक है, मैंने ये डाला, आपको पासवर्ड थोड़ा सा सोच समझ के डालना है। यहाँ पे मैंने ये डाला यूए वेबसाइट 123। ठीक है, आप इस पासवर्ड को बाद में चेंज भी कर सकते हैं, मैं फिलहाल कॉपी कर लेता हूँ इसको, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कॉपी करके।
मैं इसको बाद में चेंज कर लूँगा, ठीक है? आप, मैं इसको जस्ट इंस्टॉल करने के बाद में भी इसको चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ से कर दूंगा इंस्टॉल वेबसाइट को, ठीक है? अभी हमारी वर्डप्रेस की जो फाइल्स है वो इंस्टॉल हो रही है, ठीक है? इंस्टॉल करने का तरीका हर जगह सेम होता है। इसके बाद जो हमारा डैशबोर्ड खुल कर आएगा उसका तरीका सेम है हर जगह। आप चाहे प्रोफेशनल वर्डप्रेस यूज करें, सबकी जो डैशबोर्ड होती है वो सेम ही होती है, ठीक है? तो एक बार वो हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद हम लोग आगे की चीज़ों को देखते हैं, क्या क्या वर्डप्रेस के अंदर हमें मिलेगा, किस तरीके से हमें फंक्शंस को प्रोवाइड करना। तो ये हमारी पहली एपिसोड थी जिसमें हमने बेसिकली वर्डप्रेस की सेटअप को समझा है, वर्डप्रेस की फ्री डोमेन एंड फ्री सेटअप को किस तरीके से हमें करना है। एक बार हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो तो अभी डेटाबेस वगैरह क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो सारी फाइल्स है वो कॉन्फ़िगर होती हैं, इसके बाद हमारा डैशबोर्ड खुल के आएगा। ये जो प्लेलिस्ट होने वाली है सब हर एक डिपार्टमेंट के बच्चों के लिए होने वाली है। अगर आप सीखना चाहते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट को फ्रॉम स्क्रैच टू द प्रोफेशनल लेवल, तो आप बहुत ही अच्छे से सीख सकते हैं इसको, ठीक है? हमारा जो वर्डप्रेस है वो रेडी हो चुका है। हमें सिंपली क्या करना है, गो टू कॉन्फ़िगरेशन पेज पे क्लिक करना है। आप कॉन्फ़िगरेशन पेज पे पहुंच जाएंगे। जैसे आप गो टू कॉन्फ़िगरेशन पेज पे क्लिक करेंगे आपका एक नया टैब खुलकर आएगा, ठीक है? अभी लोड हो रही है टैब, देखते हैं अभी। आपका वर्डप्रेस यहाँ पे लॉग इन आईडी एंड पासवर्ड मांगा, जो आपने लॉग इन आईडी पासवर्ड यहाँ पे बनाया था, ठीक है? सपोज करो मैंने किया एडमिन हमारा था, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पे मैंने पासवर्ड को कॉपी किया था। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ से पासवर्ड को कॉपी कर लो, यू वेबसाइट 123, ठीक है? हमारा पासवर्ड यही था, आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हो, कभी भी चेंज कर सकते हो, ठीक है? मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, लॉग इन पे क्लिक करूंगा। तो हमारा वर्डप्रेस जो है वो सक्सेसफुली हमने इंस्टॉल कर लिया है और सेटअप अपना फ्री डोमेन एंड होस्टिंग कर लिया है, ठीक है? मेरे एडमिन का नाम शायद एडमिन ही था, पासवर्ड गलत आ रहा है, 123_, ठीक है? इसको मैं लॉग इन पे क्लिक करता हूं। अगर आप जैसे ही लॉग इन पे क्लिक करेंगे अपनी आईडी एंड पासवर्ड डाल के, एक नया डैशबोर्ड खुल के आएगा आपके सामने, जो कि होगा आपका वर्डप्रेस का एडमिन पैनल, जहां से आप वर्डप्रेस की वेबसाइट को अपने कंप्लीटली मैनेज कर पाएंगे। अब देखो ये हमारे पास यहाँ पे वर्डप्रेस की वेबसाइट जो हमारा डैशबोर्ड है वो यहाँ पे खुलकर आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट डैशबोर्ड आपके पास खुल गया, ये बहुत ही पावरफुल डैशबोर्ड होता है। अगर आप मैकेनिकल के, ENTC के, किसी भी डिपार्टमेंट के, आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज ड्रैग एंड ड्रॉप है। और मैं थोड़ी बहुत चीजें आपको कोडिंग की भी बताऊंगा ताकि आप एक प्रोफेशनल लेवल पे पहुंच सके, ठीक है? इस पूरे डैशबोर्ड की हर एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो भी आपको साइड में दिख रहा है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप में, ये हर एक चीज को हम लोग समझेंगे एपिसोड वाइज। एपिसोड में आपको मैं एक एपिसोड में बताऊंगा अगर सारी चीजें, तो आपको भी बोर होगा और चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो मैं इन सारी चीजों को पर्सनली वन बाय वन करके डिस्कस करूंगा, जिससे कि आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे, ठीक है? तो मेरा ये सजेशन है, जो हमने अभी तक इस एपिसोड में किया है, इस कंप्लीटली वेबसाइट को जो सेटअप किया है, इसको आपको कंप्लीट आज सेटअप करना है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं इसकी आगे की चीजें बताऊंगा कि हम लोग धीरे धीरे करके अपनी वेबसाइट को किस तरीके से बिल्ड करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। आप अपनी वेबसाइट को अगर आपको देखना है, किसी को शेयर करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ मैं ट्रैकेबल कलेक्टर का एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये मेरी वेबसाइट का नाम है एक्चुअली, ठीक है? मैंने नाम चेंज नहीं किया, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। अब जैसे जैसे ही इस पे माउस ले जाओगे, यहाँ पे विजिट साइट आता है, विजिट साइट पे क्लिक करोगे अगर, तो आपकी वेबसाइट की लिंक हो जाएगी, ये यूजर लिंक है। ये जो लिंक है आप इस लिंक को किसी को भी शेयर कर सकते हैं, अगर आपको अपनी वेबसाइट को किसी को दिखानी है तो। बट मेरा सजेशन, अभी किसी को शेयर मत करो, जब वेबसाइट थोड़ी सी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो आप इस वेबसाइट को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपको वर्डप्रेस रही है सब चीजें मैं हटाना आपको सिखा दूंगा, आपकी वेबसाइट कंप्लीटली प्रोफेशनल लुक एंड फील आपको देगी, ठीक है? तो इस एपिसोड में आपको इतनी चीजें मैंने बताई है। ये हमारी पहली एपिसोड थी जहाँ पे हमने बेसिक वर्डप्रेस को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं फ्री डोमेन एंड होस्टिंग से, वो बताया। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको इसके आगे की चीजें बताऊंगा। और मेरा एक प्रॉमिस है कि ये जो प्लेलिस्ट है ये सबसे बेस्ट प्लेलिस्ट होने वाली है वर्डप्रेस के लिए आपके लिए, क्योंकि ये मैं पूरा हिंदी लैंग्वेज में बनाऊंगा
और साथ साथ में इसको मैं बहुत ही एक हाई लेवल प्रोफेशनल लेवल तक लेके जाने वाला हूँ। तो अगर आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सारी वीडियोज़ इसी चैनल पर आने वाली हैं। और अगर आप किसी दोस्त किसी फ्रेंड के साथ किसी कॉलेज ग्रुप में शेयर करना चाहते हैं वर्डप्रेस डेवलपमेंट की वेबसाइट की लिंक, तो आप शेयर करो, ताकि आपके फाइनल ये प्रोजेक्ट में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं और आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।